हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, ये नया अपडेट आया है MI Note 9 Pro में। सो अगर आपको ये वर्जन नहीं चाहिए, आप ओल्ड वर्जन में जाना चाहते हैं वापस से, तो आपको कैसे जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको सबसे पहले चलना है आपको फ़ोन में। आपके फ़ोन में जाने के बाद मैं कहाँ पर जाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं अपना फ़ोन ओपन कर ले रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन है। एंड आपका आपको स्क्रीन पहले मैंने दिखा देता है कैसा नया दिखता है। सो अभी जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर अपडेट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें सेलेक्ट करना है। देखिए आपका फर्स्ट सिस्टम ऐप अपडेट उसमें जाना है आपको। सो यहाँ पे ये आ जाएगा। आप इस पर सेटिंग में वापस कॉर्नर में क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ऑटो अपडेट्स वाले में क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे डोंट अपडेट मार्क कर लीजिए, उसको ओके कर दीजिए। अब आपको जाना है बैक। बैक जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है APP ऐप। ऐप टाइप करने के बाद एक ऐप का ऑप्शन आ जाएगा। सो आप इसमें देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है ये वाला। इसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैनेज ऐप्स लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करने मतलब आपको इस तरह खुलेगा। यहाँ पे आपको फाइंड करना है सिस्टम लॉन्चर। तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं और स्क्रॉल भी कर सकते हैं। सो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे आपको दिख जाएगा सिस्टम लॉन्चर। तो आप उसके ऊपर क्लिक करिए सर। सो ये मेरा नीचे, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ कि मेरा सिस्टम लॉन्चर देखिए मेरा नीचे है यहाँ पे। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर ले रहा हूँ। ये मेरा सिस्टम लॉन्चर, इसमें देखिए 126 MB जो है उसका फाइल है। सो यहाँ पे आपको देखिए फोर्स स्टॉप नहीं करना है, आपको करना है क्लियर डाटा। क्लियर डाटा पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद कर देंगे उसको ओके। सो इसको आपको फर्स्ट वाला करना है क्लियर ऑल डाटा, उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद फिर सेकंड वाला है अनस्टॉल अपडेट्स, तो इसको भी हम क्लियर कर देंगे, ओके कर देंगे। सो यहाँ ओके करने के बाद देखिए यार, ये अभी आपको ओल्ड वर्जन में लेके जाएगा। सो गाइस, आप बैक जाइए, होम पेज पर जाके देखिए अपना फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। सो देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे फाइल जो है कम हो गया, 229 KB हो गया। सो जो आपका अपडेट है वो हट चुका है। सो अभी आप देखते हैं बाहर जाके। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, ये मेरा ओल्ड वर्जन में आ गया है, जो पुराना वर्जन है। मेरा अपडेट जो है वो हट गया है। सो अगर आपको अपडेट निकालना है तो इसी तरीके का आप प्रोसेस कर लीजिए, आपका हो जाएगा। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में इस तरीके की ही प्रोसीजर रहता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।